देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी और सी उसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में समाप्त करेगा, तो बताइए कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या करेंगे, एक के मान लिखेंगे, एक कितना दिन में, 20 दिन, 20 दिन हो गया, बी 15 दिन, सी कितना है, 10 दिन। तो क्या करेंगे, क्या बताए थे पिछले लाइन में, इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 30, सॉरी एलसीएम इसका आएगा 60, 60 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 20 तीना 60, 15 चौका 60, 10 छक्का 60। क्या पूछा है, ए बी सी तीनों, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और जोड़ेंगे, 3 4 7, 7 6 कितना होता है, 13 होगा, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मुझे तीनों मिलकर उस कार्य कितने में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कितना रहे, 13 आ रहे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 13। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक देखिए 13 चौका 52 और इसमें 8 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/13 हो जाएगा ना, ठीक आंसर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 15 और 12 दिन में पूरा कर सकता है, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा कर कितना दिन पूरा करेगा, होगा कितना दिन में पूरा कर सकता है, क्या करेंगे, ए कितना दिन, 20 दिन हो गया, बी 15 दिन हो जाएगा, सी कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन। क्या करेंगे इसको हम, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 60, 20 60, 15 चौका 60, 12 5 60। अब क्या करेंगे, तीनों पूछा है, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 3 4 7 7 5 12, 12 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप बता रहा है, 4, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं जबकि बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, तथा सी और ए हो गया यहाँ पर, सी और ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, क्या करेंगे, ए प्लस बी कितना दिन दिया है, 20 दिन, जबकि बी और सी मिलकर, बी और सी 15 दिन हो जाएगा यहां पर, और सी और ए मिलकर इसका 12 दिन में हो गया। तो क्या बताए थे, तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, इसको हम लोग 20 60, 15 6 60, 12 5 60 हो गया। फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग, ए प्लस बी दिया है, ए 2a हो जाएगा ना, लिखे 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसलिए 2 हो रहा है, सब डबल डबल है, फिर इसको हम ऐड करेंगे, 3 4 7 7 5 12, इसमें 2a है 2b 2c, क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, टू से कैंसिल हो जाएगा, छह बार में क्या रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर छ, तो क्या करेंगे छ से डिवाइड कर देंगे, कितना है 10 दिन हो गया। चलिए और इसी एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्या दिया है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या बताए थे, लिखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में 18 दे हो गया, बी प्लस सी 36 दिन, सी प्लस ए 24 दिन हो जाएगा। क्या बताया आप लोग का, ये तीनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा, वैसा मान निकालेंगे जो कि हर चीज डिवाइड हो जाए, जो 80 के टेबल में, 18 के टेबल में है, 36 के टेबल में है, 72, 24 के टेबल में है, 72 आ गए, कितना जाएगा 18 पर जा 72, 36 टू जा 72, 24 थ्री जा 72 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे 2a 2b प्लस 2c, ये 4 है ठीक ना, कितना होगा ऐड करेंगे 4 2 6, 6 3 9, 9 हो गया, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी भाई 9 बाई 2 है, 9 बाई 2 हो जाएगा ना, अब यहां पर क्या करेंगे, जब यहां पर 9 बाई 2 है तो यहां पर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 9, 9 एट जा 72, 8 में 2 से मल्टीपल कर देंगे कितना आएगा 16 दे आ जाएगा, हो गया। चलिए टाइप 5 बताते हैं आप लोगों को, क्या दिया है, एक किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी किसी काम कार्य को या पर कार्य होगा किसी कार्य को 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या करेंगे, ए 2/5 भाग कितना दिन बोले 12 दिन है पर, जबकि बी भी कितना है 3/4 भाग 15 दिन में, क्या करेंगे इसको 2 से कटा देंगे कितना जाएगा 6, फिर 63 गुना 6×5=30 हो जाए 30 दिन, ये क्या जाएगा 3×5=15, 4×5=20, देखो इसको ये भरा है ना 2 से कटा दिए और इससे मल्टीपल कर दिए ठीक ना, इसको भी कटाए हैं इससे मल्टीपल, फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या होगा 60, 30 दुनी 60, 20 आई 60, दोनों को लोग जोड़ देंगे ए प्लस बी क्या रहे 2 3 5, 5 को से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा, हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और बता देते क्वेश्चन, क्या करेंगे ए 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, जबकि बी कितने दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में, क्या पर 3/5 लिख देंगे भाग कितने दिन में 9 दिन में, हो गया।
क्या बताए थे इसको, वन से तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, कितना जाएगा 10 दिन। तीतरी का 9, अब क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, 3 5 15। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना लगेगा 30, 10 3 30, 15 2 30, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, ए प्लस बी पूछा है, कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 हो जाएगा ना। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं हम लोग।